आज का दिन ऐसा हो गया कि एक बहुत बड़ा आनंद हमने मनाया धारा 370 का, और उसकी बात हम सोच ही रहे थे तो ये एक ऐसा हुआ कि जैसा सिर पे पत्थर गिर गया। ऐसा बड़ा नुकसान आज देश का है, एक तरफ आनंद है तो एक तरफ ये इस प्रकार का दुख भरी कि जो पूरे जीवन में मैं कहती हूँ कि हम दोनों की दोस्ती तो बहुत ही थी, मेरे से उम्र में छोटी थी लेकिन करतूतों में बहुत बड़ी थी सुषमा जी, और मेरी अच्छी मित्र तो थी ही। जब मिलते थे तो एक जैसे सामान्य महिला जैसी भी हमारी बातें, घर घरेलू बातें होती थी, राजनीति की बातें होती थी, और राजनीति में मैंने देखा, उनसे सीखा भी बहुत, राजनीतिक विषयों का उनका जो अभ्यास था और उनकी जो स्मृति थी, उनकी मेमोरी बहुत ही शार्प मेमोरी थी उनकी, बहुत बातें वो कभी कभी तो तारीख के साथ याद रखती थी। मुझे भी लगता था कि मैं भी राजनीति में हूँ, मैं भी बहुत सालों से पार्लियामेंट में हूँ, मगर मुझे इतनी तारीखवार बातें याद नहीं रहती थी, मगर उसको रहती थी और इंसिडेंसेस भी बताती थी तो ऐसे बताती थी, किसी विषय का अभ्यास भी इतना माइन्यूट करके आती थी कि पार्लियामेंट में जब वो बोलने के लिए खड़ी होती थी तो हम सभी लोग, सामने वाले भी सुनते थे, और जब प्रहार करती थी सामने वालों के ऊपर, विपक्ष के ऊपर कभी, या हम विपक्ष में रहे तो सत्ता पक्ष पे प्रहार करती थी तो ऐसा लगता था जैसे सामने वालों की बोलती बंद कर दी। मगर यही उसकी क्वालिटी जो थी, यही क्वालिटी आप अगर देखो कि वो विदेशों में जब जाती थी तो ऐसा लगता था ये तो भारत की आवाज़ है, ये बोलने का तरीका, जब बात रखती थी भारत की तो दिल से, जिसको हम कहते हैं, ऐसा वो बोलती थी, तो बहुत ही गजब का उसका वक्तृत्व तो था, इसमें कोई नहीं। और वैसे मिलती थी तो ऐसे सामान्य तरीके से महिलाओं से भी बात करती थी, और अलग किस्म की महिला थी, सदैव हंसती रहती थी। समय पहले उन्होंने इंदौर में चुनाव लड़ने से भी मना कर दिया था, लोकसभा चुनाव, और काफी समय से काफी उनको बीमारी का। अभी बहुत दिनों से वैसी वो बीमार थी, तबीयत ठीक नहीं थी उनकी, रहती थी, किडनी खराब हो गई थी, मतलब उसके भी पहले उनके डायबिटीज बीच बीच में बहुत बढ़ जाती थी, मगर ये सब सहन करते हुए उन्होंने जीत के साथ विदेश मंत्रालय संभाला। मैं तो कहूँ वो 5 साल भी उन्होंने जो निकाले हैं, जो मेहनत करी है, वो एक प्रकार से अपनी परवाह, शरीर की परवाह न करते हुए उन्होंने विदेश मंत्रालय संभाला बहुत ताकत के साथ। विदेशों से कई लोग और सेवे से उनको भी निकाल के लेके आई हैं वो, कई लोग वही वही जो भी काम किया ताकत के साथ उन्होंने विदेश मंत्रालय में काम किया है, ये बहुत बड़ा लॉस बहुत है लोगों की, भारतीय जनता पार्टी को, जिसको हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी को तो बहुत बड़ा नुकसान है, मगर इससे मैं, इससे ज़्यादा मैं कहूँगी एक कर्तृत्ववान राजनीतिज्ञ कैसा होता है उसका उदाहरण थी कि कोई भी काम दे दो, वो कोई भी काम, मदद लोगों की करना हो किस तरीके से करे तो जुट जाके करती थी, या संगठन की दृष्टि से देखो तो संगठन जो बोलता था तैयार हो जाती थी, कभी ना नहीं किया किसी भी काम के लिए, संगठन में भी यहाँ से चुनाव लड़ो, चुनाव लड़ लिया, मुख्यमंत्री बनो, मुख्यमंत्री बन लिया, मुख्यमंत्री के लिए लीडरशिप करो, छोड़ो यहाँ से, छोड़ो वहाँ चले जाओ, यानी संगठन की बात को तुरंत मानती थी। ये भी एक कोई याद जो बहुत करीब दिल के कुछ ऐसी बात उन्होंने आपसे कही हो कभी इतने सालों में, बहुत पुराना साथ है आपका। नहीं, ऐसी तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक हम हमेशा मजाक हमारी दोनों की होती थी, जब कब फैमिली की बात निकलती थी, वो भी मुझे मेरे घर के कई सारे किस्से वो भी जानती थी, मेरे बेटे ने एक बार लड्डू बनाए, उसके साथ मुझे जाना था सभा में, और वो आई थी घर पे कि चलो समय हो गया, और उसी समय मेरे बेटे ने कहा था नहीं मुझे मेरे लिए लड्डू बना के ही जाओगी, तो वह सबको ये बात बताती थी। मैंने भी कहा सुषमा जी थोड़ी देर रुको, मैं बिना लड्डू बनाए नहीं जा सकती हूँ, वो मांग रहा है ना, और आपके साथ मुझे 5-6 दिन के सफ़र पे जाना है, तो नहीं ऐसे नहीं आऊँगी, तो वो सबको ये विशेष रूप से बताती थी कि ये महिला के काम करने का तरीका है। बोले मैं बैठी रही जब तक 1 घंटे भर में सुमित्रा जी लड्डू बना के नहीं आई, बेटे के लिए नहीं आई, तब तक बोले मैंने भी इंतज़ार किया, क्योंकि मैं जानती थी
कि बच्चों को कैसे बच्चों का दिल जीतना और बच्चों को फैमिली को पहले संभालना। वैसे उनके लिए भी हम बोलते थे कि सुषमा जी बताओ तो सही, आपकी कब बातें होती हैं, आपस में कब बातें करती हो स्वराज जी से वगैरह, मजाक करते। फिर एक दिन उन्होंने कहा था कि अरे देख हमारा बाकी कुछ नहीं मगर हमने चाय का समय तय करके रखा, हम दोपहर में चाय एक साथ पीते। हमने कहा कितना भी काम हो तो मैं कोशिश करती हूँ कि हम एक साथ चाय पीने तो बैठेंगे, तो चाय पे बात। तो मैंने कहा अच्छा फिर अब एक आध दिन मैं आऊँगी बाप के बीच में। तो ऐसी भी हंसी मजाक हमारी घरेलू भी होती थी, क्योंकि वो भी शुद्ध रूप से फैमिली को संभालते हुए राजनीति करती थी। जैसा मेरा भी ये था कि मैं फैमिली को एक अहम ये दे देती थी, महत्व देती थी, वो उसके लिए भी था, मगर उसके लिए राजनीति के आड़े कुछ नहीं आया। तो उसने राजनीति भी जो करी बड़ी ताकत के, बहुत ऐसी कर्तृत्ववान महिला मिलना बहुत कठिन होता है। तो एक कर्तृत्ववान महिला राजनीतिज्ञ हमने कोई बड़ी मुश्किल से बनती है, मगर अब ये हमें देखना पड़ रहा है। इतनी छोटी उम्र में वो हमें छोड़ से चली गई, हमसे मेरे से तो 10 साल छोटी थी, मगर बीमारी ने घेर लिया और आज चली गई। एक बड़ा बड़ा नेता हमने, मैं अभी जब ये छोड़ के आई दिल्ली तो उसको मिल के आई थी, हम बहुत बातें करके आई थी। क्या बताया था कभी तुम्हारी के बारे में बातचीत आई, आपको बताया होगा कि आपसे तो बहुत अच्छा रिश्ता रहा। बहुत अच्छा रहा, तो कुछ नहीं, बीमारी की तो मालूम थी, जानकारी थी, उसकी तो बातें हो ही गई, फिर भी हमारी हुई कि मैंने कहा मैं जा रही हूँ, मिलेंगे कभी, तो बोले नहीं मैं आऊँगी ना आपको मिलने। तो बहुत नॉर्मल बातें हमारी, बहुत चलेगी। अब मैं कल जाऊँगी, ऐसा ही हुआ जब मैं आई तो उनसे बहुत हंसते हुए बातें करके चाय पी के हम मैं निकली। अब कल मैं उसको ऐसा ही देखने के लिए जाऊंगी कि ये क्या करूँ, ये सब होना होता है। ये आपके लिए भी बहुत बड़ा लॉस है, आपके तो बहुत इमोशनल, व्यक्तिगत लॉस है। व्यक्तिगत मैं इसलिए बोल रही हूँ कि साथी काम करते करते जो साथी पीछे छूट जाते हैं तो लगता है अरे अब तो अपन अकेले रह गए, ऐसा भाव कई बार आता है, वो भाव अब ज़्यादा आ जाएगा। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.